तो तू ठीक रहा है, लेकिन रुशना अपनी बच्ची को कभी अपने से दूर नहीं करेगी और ना वो मेरे साथ उसे शक्कर भेजेगी। अम्मा, रोशना तुम्हारी बात सुनती है, तुम्हारी मानती है, वो इनकार नहीं करेगी। ये मौका हाथ से ना जाने देना। रोशना, ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत और चाहत में कमी आ जाए? इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम तो कहते थे कि मैं एमर को बाप जैसा प्यार दूंगा, और अब एमर की बजाय आरफा के बच्चों के बारे में सोच रहे हो। किस चीज की कमी है एमन के लिए इस घर में? हर चीज तुम्हारे हाथ में, जो चाहो खरीदो, जो चाहो पहनाओ। कभी सवाल किया मैंने? बिला बचा शक कर रही हो तुम मेरी मोहब्बत में। मुझे अक्सर ऐसा लगता है कि तुम एमन से उकता रहे हो। दादा, तुम नहीं समझोगे, कोई हकीकत है कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। I'm in love with you। लेकिन यार, मैं एक इंसान हूं, एक मर्द हूं। जब भी मैं हेमंत को अपने सामने देखता हूं ना, तो मेरे सिर में ख्याल आता है कि एक मर्द था जो तुम्हारी जिंदगी में था, और अपनी निशानी तुम्हारी गोद में छोड़ के चला गया। बस ये बात मुझे बेचैन कर देती है यार, फिर मुझसे कंट्रोल नहीं होता। इसलिए प्लीज तुम खुद ख्याल किया करो। देखो, मैं हेमंत को देखता हूं तो फिर मुझे भी अपने बच्चों की याद आने लगती है। मैं कोशिश करूंगी कि अहमद को तुम्हारे सामने ना लाऊं। लेकिन तुम भी इस बात को ज्यादा खुद पर सवार मत करो, क्योंकि मुझे हमेशा तुम्हारा प्यार और एतमाद चाहिए। मिशा, तुम्हारे साथ हो जाए। मिशा, अरे पगली है तू, रज्जब तुझे बहुत चाहता है, लेकिन है तो वो मर्द ना। वो जब अमन को देखता है तो उसे अपने बच्चे याद आ जाते हैं। हाँ, यही कह रहा था वो भी। अब मैं इस वजह से अपनी बच्ची को सर्वर के पास तो नहीं भेज सकती ना। अब मैं एमन को उसके सामने नहीं लाया करूंगी। आप भी उसके आते ही ना एमन को कमरे में ले जाया करें। अब बस यही हल है इस मसले का। नहीं बेटा, ये मैं नहीं कर सकूंगी। शौकत और नजमा आए हैं, मुझे अपने साथ शक्कर लेके जा रहे हैं। पप्पू, आपने तो कहा था कि आप हमेशा मेरे साथ रहेंगी। हाँ बेटा, मेरी जान, क्या करूं? शौकत ने हाथ जोड़ के मुझसे माफी मांगी, कैसे इनकार कर दूं? जाना तो पड़ेगा ही ना। पप्पू, आप चली गई तो मैं तो मुश्किल में आ जाऊंगी। रजम ने तो पहले कह दिया है कि उसे मेरा एमन को तवज्जो देना अच्छा नहीं लगता, और अगर आप चली गई तो मुझे देखना पड़ेगा एमन को, और इस तरह रजब मुझसे बदसन हो जाएगा। इस मसले का एक ही हल है जो बहुत मुनासिब है। इस बच्ची को मैं अपने साथ शक्कर लेके चली जाऊंगी। अरे बेटा, यहाँ भी तो मैं ही पाल रही हूँ, वहां भी मैं ही पालूंगी। ये तुम्हारे हक में बहुत मुनासिब रहेगा। बच्ची रजब के सामने नहीं आएगी, यही मुनासिब है। शौकत भाई मान जाएंगे क्या? खर्च भी तो बढ़ेगा ना। हाँ बेटा, पहले जैसे हालात तो रहे नहीं, लेकिन तू फिक्र ना कर, मैं उसे मना लूँगी। इस बच्ची की वजह से तुम्हारा दोबारा घर उजड़ जाए, ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर पप्पो, मैं एमन के बगैर कैसे रहूँगी? रहना पड़ेगा मेरी जान, वरना रजब जिद में आके अपने बच्चे उठाकर लाकर तुम्हारे सर पे दे मारेगा, फिर संभालने पड़ेंगे तुम्हें उनके बच्चे। अरे बेटा, मैंने भी तो तुम्हें पाला था, अब अहमन को भी तुमसे ज्यादा प्यार से पालूंगी, तुम इस बात की फिक्र ना करो। हाँ, ये अलग बात है कि अब हालात अच्छे नहीं है, हाथ जरा तंग है बेटा हम लोगों का।
मैं यमन के लिए पैसे भिजवाती रहूंगी और आपका भी ख्याल रखूंगी। ठीक है बेटा, जो तुम पैसे भेजोगी ना वो मैं शौकत को दे दिया करूंगी, इससे उसे कभी एतराज भी नहीं होगा। और हाँ, पैसों की लालच में तो नजमा भी ना तुम्हारी बच्ची को बहुत प्यार करेगी, तो फिक्र ना कर, सब मसले हल हो जाए। अभी तेरी फुफ्फो जिंदा है, रज्जब तेरा आशिक जरूर है, लेकिन वो एक शौहर भी तो है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने आपको पहचाना नहीं। वो मैं आपके पड़ोस में रहती हूँ। अच्छा अच्छा, इसकी क्या ज़रूरत थी? वो खाली हाथ आना मुनासिब नहीं लगा तो सोचा कुछ लेकर आ जाऊँ। आप चलिए ना अंदर प्लीज। जी चलिए। अच्छा बेटा रोशना, खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना, अगर कोई गड़बड़ हो गई हो तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं दौड़ी चली आऊँगी। नहीं फूफो, मेरा नहीं ख्याल कोई मसला होगा, बस आप अहमद का ख्याल रखिएगा। रोशना तुम क्यों फिक्र करती हो, हम मौजूद हैं ना इसका ख्याल रखने के लिए, इसके साथ खेलने के लिए, इसका दिल बहलाने के लिए, तुम फिक्र ना करो। अच्छा बेटा अपना ख्याल रखना, और बासो मुझे तेरी तरफ से बहुत फिक्र रहेगी। अरे अम्मा बस कर दे, मत करें इतना वहम, रोशना बहुत समझदार है, अपना अच्छा बुरा खूब समझती है, बस अब निकलने की करें, देर हो रही है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है, आप लोगों को जाना चाहिए। जी, साहब का फोन आया। अच्छा ठीक है, आती हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अच्छा बेटा खुदा हाफिज, अपना ध्यान रखना। बस देख लिया आपने, खामखा में परेशान हो रही हूँ, दूल्हे मियाँ का फोन किया गया, बेटी से मिलना तक भूल गई, चलिए अब निकलिए। अरे चुप कर जा, अगर सुन लिया ना तो सारी गड़बड़ हो जाएगी। अरे हम बच्ची नहीं नोटों की गड्डियां लेके जा रहे हैं, अब तुम देखना थोड़े दिन में हमारा कितना अच्छा वक्त बदलता है। वाह बहुत दिमाग चलता है वैसे तुम्हारा। अच्छा अम्मा देर हो रही है, आ जाओ जल्दी चले, आ जाओ अम्मा आ जाओ। मैंने घर बेच दिया। क्या घर बेच दिया? जाने वो कारोबार की पोजीशन ऐसी चल रही थी कि पैसों की जरूरत थी। वैसे कितने बच्चे हैं आपके? मेरे दो बेटे हैं, अंसर 8 साल का और जबरान 4 साल का। माशाल्लाह। और उनके वाले साहब क्या काम करते हैं? क्या ही उनके वाले साहब? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, अल्लाह उन्हें लंबी जिंदगी दे। जी बिल्कुल। वैसे बहन कहते हैं कि दुख बांटने की चीज नहीं है, लेकिन दिल का हाल शेयर करने से दिल जरूर हल्का हो जाता है, तो मुझे अपनी बहन ही समझो। और बताओ तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ कि जिंदगी के दुख तुम्हारे चेहरे से झलकते हैं? जरूर बताऊंगी, लेकिन फिर कभी। दुखों की दास्तान थोड़ी लंबी होती है ना। जब मुझे तुमसे बात करनी। हाँ बोलो। मुझे सेवर कपड़े नहीं चाहिए, बस सिर्फ ये घर मेरे नाम कर दो। अच्छा हाँ हाँ, ये नया ख्याल कब से है? मेरी ख्वाहिश है, हमेशा से अच्छे घर के ख्वाब देखती आ रही हूँ। तो ये रजब और रोशना कोई दो लोग थोड़े हैं, एक ही तो है। जो मेरी चीज है वो तुम्हारी, पर ये घर क्यों अपने नाम करने की जिद कर रही है? बस मेरी ख्वाहिश है ना। तो सरकार समझे हो गया आपके नाम, बस ये जरा अदालती कार्रवाई में 2-4 दिन लगते। 2-4 दिन लग जाए कोई मसला नहीं, बस ये घर मेरे नाम होना चाहिए।
तो बस समझो हो गया तुम्हारे घर। हाँ यार याद आया, सखर जाना है, तैयारी कर लो। सखर क्यों? मेरे सारे रिश्तेदार तो सब सखर में ही है ना, तो उन्हें पता चला है कि मैं मुस्तकिल पाकिस्तान आ गया हूँ, तो फिर दो चार दिन के लिए तो जाना पड़ेगा। पुप्पो के घर रहेंगे? पुप्पो के घर क्यों, मेरे अम्मा अब्बा का घर है वही सखर में, वो काफी दिनों से बंद पड़ा हुआ है, लेकिन मैंने वो भाई साहब से कह दिया है कि वो सफाई वगैरह करवा देंगे, वहां ठहरेंगे। तुमने अपने रिश्तेदारों को बता दिया ना कि अब मैं तुम्हारी बीवी हूँ? भाई मुझसे कोई उल्टी सीधी बात करेगा ना, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, पहले से ही समझा दो। हाँ बता दिया, नाराजगी का इजहार तो कर रहे थे, लेकिन ज्यादा बड़बड़ नहीं करेंगे, सबको कुछ ना कुछ देता रहता हूँ मैं, मेरे सामने नहीं बोलेंगे। एमन से भी मिल लूंगी। अच्छा मुझे कुछ पैसे चाहिए। ठीक है, मतलब इसलिए सखर जा रहे हैं, शॉपिंग नहीं करनी? सरकार आजकल हाथ जरा तंग है, थोड़ा सा जरा संभल के ना, मेरा मतलब है खुद ही तो कहते हो बिजनेस कैसे करना है, पैसे कैसे कमाना है, ये तुम्हारा मसला है, मेरा नहीं। मुझे बस पैसे चाहिए तो चाहिए। चाहिए तो चाहिए है। तुम नखरे करते हुए कितनी अच्छी लगती हो। कभी मेरे एहसासात का ख्याल नहीं किया तुमने, तो मैं तुम्हारी फिक्र क्यों करूं? तुम आज तक समझ ही नहीं सके मुझे, तुम हो ही झगड़ा लड़ाका, मेरे हाल पर छोड़ दो। मैंने तो नहीं कहा उन्हें कि शॉपिंग करवा दे, उन्होंने खुद ही जबरदस्ती ये सब दिलाया, और खुद तो सारी जिंदगी ढंग की कोई चीज दिला नहीं सके। अगर तुम्हारे रिश्तेदारों को ही मेरा ख्याल आ गया तो वो भी तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। जिब्रान मामा को तंग मत करो, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अरे बेटे को भूख लगी है। मामा मामू मुझे लगा है मेरे स्कूल की फीस कौन भरेगा, और कल से मैं स्कूल भी नहीं जा पाऊंगा। रजब तुम जल्दी नहीं आओगे, तुमने तो कहा था मैं लेट आऊंगा। वो रोशना दरअसल मैंने घर बेच दिया। क्या घर बेच दिया? जाने वो कारोबार की पोजीशन ऐसी चल रही थी कि पैसों की जरूरत थी, जैसे ही हालात बेहतर होंगे हम नया घर ले लेंगे, मैं वो घर तुम्हारे नाम कर दूंगा। रजब बेवकूफ मत बनाओ मुझे, हम जिस घर में रह रहे तुमने वो घर बेच दिया,
लोग घर की छत हासिल करने के लिए मेहनत करते हैं और तुमने वही बेच दी। चलो ये घर भी तो हमने लिया था ना, तो नया घर भी ले लेंगे। मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें घर लेके दूंगा। और वैसे भी हम तो सखर जा रहे हैं यार। देखो ऐसे वक्त में मुझे तुम्हारे इत्माद और हौसले की जरूरत है। तुम बीवी हो मेरी, अगर ऐसे वक्त में तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो कौन देगा? तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? रजब बीवी हूं मैं तुम्हारी। देखो अगर 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 मैं तुम्हें पहले बताता तो तुम मुझे ऐसा करने देती? नहीं ना, नहीं ना। अच्छा तैयारी हो गई सारी? घबराओ मत, तुम्हारे पास अपनी छत है, खुदा पे पूरा भरोसा रखो। तुम अपने घर में रहती हो, रही बात रोजी रोटी की तो वो भी हल हो जाएगा। तुम परेशान मत हो। कैसे हो जाएंगे मसले हल? मैं तो इतनी पढ़ी लिखी भी ना। मेरी बहन एक फैक्ट्री में काम करती है, वहाँ लेदर का सामान बनता है। काफी कारोबार फैला हुआ है उनका और काफी सामान उनका बाहर भी जाता है। मेरी बहन वहाँ मैनेजर की पोस्ट पे है। मैंने उससे तुम्हारे लिए बात की है। मेरी बहन ने मुझे पूरी उम्मीद दिलाई है कि सुपरवाइजर की जॉब तो तुम्हारी लगी जाएगी। वो आज कल में मुझे बताती है, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी। तुम परेशान मत हो। जिन मसलों ने मेरी रातों की नींद हराम की थी वो इतनी आसानी से हल हो जाएंगे मैंने सोचा भी नहीं था। तुम पुरसुकून हो जाओ, इस तनख्वाह से तुम्हारे काफी मसले मसाइल हल हो जाएंगे। और तुम इस तनख्वाह पे मत बैठना, कोई और काम भी देखना, फिर देखना हालात कितने बेहतर हो जाएंगे। बस तुम हिम्मत रखो। जमीला तो मेरे लिए फरिश्ता बन के आई हो, तुम्हें नहीं अंदाजा मुझे कितनी जरूरत थी सुकून। और अब तुम्हें किस्मत को हराना है, खुद नहीं हारना है, समझी? चलो चले। ऐसे क्या देख रही हो? देख रही हूँ दोबारा ऐसा घर नसीब में होगा भी या नहीं। मेरी जान परेशान क्यों हो रही हो? अब ये सब कोई इतना बुरा भी नहीं है, इससे ज्यादा बुरे हालात तो तुम देख चुकी हो। वो याद नहीं तुम्हें सर्वर का घर, वो क्या डरबे जैसा कमरा, मामूली सामान। अच्छा तो तुम अब मुझे माजी के ताने देकर इस हाल में रहने पर मजबूर करोगे? नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं। अरे कमाल करते हो यार। यार मैं तो तुम्हारी तसल्ली और हौसले के लिए सब कह रहा था, तुम्हारी हिम्मत और हौसले की दाद दे रहा था कि मेरे दिल पर राज करने वाली शहजादी ने कैसे बुरे हालात का मुकाबला किया, इसलिए कह रहा था। अरे यार मैं वादा करता हूँ मैं कराची से बड़ा घर बनाऊंगा तुम्हारे लिए। अब खुश इतने बड़े शहर से उठाकर कहाँ ले आए? सखर भी कोई रहने वाली जगह है? वैसे भी दम घुट रहा है मेरा यहाँ। अरे जाने मन, नया कारोबार शुरू करने लगा हूं मैं यहाँ पे। देखना ऐसा घर बनाऊंगा कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाते जाते थक जाया करोगी तुम, वादा करता हूं, यकीन करो मेरा। अच्छा चलो तुम्हारी पप्पू की तरफ चलते हैं। नहीं रहने दो, मेरी इन हालत पर वही लोग हंसेंगे
जिनके सामने बहुत इतरा रही थी कि मैं इतने बड़े घर में रह रही अब वापस उन्हीं बुरे हालों में पहुंच गए हैं। क्यों हंसेंगे? भाई अपनी गाड़ी पे जाएंगे, तोहफे तहाए फल मिठाई वगैरह लेकर जाएंगे। वैसे बात सुनो, ये तुम्हारे रजब पे भी कोई इतना बुरा वक्त भी नहीं आया कि अपनी बीवी के मैके वो तोहफे तहाए ना लेके जा सके। चले, एक शर्त पर चलूंगी। क्या? उन पर जाहिर ना हो कि हम पर इतना बुरा वक्त हुआ। अरे नहीं भाई, कुछ जाहिर नहीं होगा। अरे यार तुम देखना कि हमारे हालात ना बिल्कुल पहले जैसे हो जाएंगे, बल्कि पहले से भी अच्छे हो जाएंगे। कारोबारी बंदों पर ऐसे वक्त आते रहते हैं मेरी जान। तुम बहला तो नहीं रहे ना, झूठ तो नहीं बोल रहे ना? अपनी जान से कुछ झूठ बोल सकता है, और जो अपनी जान से झूठ बोले ना वो अपनी जान से चला जाता है। सच्ची चले। अरे रोशना बेटा, समोसा खा ना, तेरा भाई इतनी दूर से लेके आया स्पेशल तेरे लिए। हाँ हाँ रोशना, अम्मा सही कह रही है, लो ना। अम्मा ने मुझे जैसे ही बताया कि तुम और रजब भाई आ रहे हैं, मैं इस शहर की सबसे अच्छी दुकान से ये लेकर आया हूँ। रजब भाई लीजिए। हाँ, आप तो तकल्लुफ कर रहे हैं। लेता। एमन नहीं दिखाई दे रही। अरे हमारी शहजादी सो रही है, उसे कोई नहीं जगा सकता। तो जगा देना, कितने दिन हो गए उसे मिले हुए। उसे मिलना चाहती हूँ, बहुत उदास हूँ। बेटा नजमा ने उसे ना बड़े प्यार से रखा हुआ है शहजादियों की तरह, वो उसे नहीं जगाएगी। हाँ मैं उसे कह देती हूँ तो शायद। नजमा अगर कमरे में वो सो रही है तो तुम जाकर मिल लो ना उसे। हाँ हाँ रोशना जाओ अंदर, नजमा भी है अंदर, मिल लो। जाओ। हाँ जाओ, मैं मिल लेती हूँ। रुशना ये क्या कर रही हो? बड़ी मुश्किल से सुलाया उड़ जाएगी। देखा, उठ गई ना। तुम बाहर जाओ, मैं सुला कर आती हूं, वरना भी रोना शुरू कर देगी। ओ, मेरी गुड़िया की नींद खराब हो गई। चलिए। मैं गया था यार ऑफिस, वो आधे घंटे बाद फोन आ गया आपा का, वो आ रही है। कैसे हो? कारोबार कैसा चल रहा है? अम्मा कैसी बातें करती हैं आप, ये बड़े लोग हैं, इनके कारोबार नहीं चलेंगे तो क्या हमारे चलेंगे? अम्मा इन पे अल्लाह का बड़ा फजल है। शौकत ठीक कह रहा है, कारोबार दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, ये अल्लाह और तरक्की दे और बरकत दे। मैंने तुमसे कुछ कहना था, वो बात दरअसल ये है कि मुझे कुछ एडवांस रकम चाहिए। एडवांस रकम? हाँ, वो तुम अहमन के लिए खर्चा तो देते ही हो ना, तो मेरा मतलब था जरा एक महीने पहले थोड़े पैसे दे देते। आजकल हाथ बहुत तंग है। अच्छा चले ठीक है, मैं दे देता हूँ। देखा शौकत, ये है मेरा दामाद। लेना रजब भाई कुछ तो ले। हाँ जी देता हूँ। चाय लीजिए। हाँ अरे तुम यहाँ क्यों खड़ी हो, क्या हुआ? फूफो के पास चली जाती ना। एक बात तो बताएं भाभी, एमन मुझे याद करती है ना, उसे ये तो पता है ना कि मैं उसकी माँ हूँ, मुझे पहचानती है ना? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हारी कमी उसे कभी महसूस ही नहीं होने दी। बहुत मोहब्बत से पाल रही हूँ उसे मैं, बिल्कुल अपनी सगी बेटी की तरह। देखा नहीं अभी तुमने,
तुम्हें देखते कैसे रोने लगी और मेरी गोद में आकर फौरन चुप हो गई, जैसे माँ की गोद हो। सच बताओ ना तो मेरा दिल तो चाहता है कि मैं उसकी परवरिश शहजादियों की तरह करूँ, इसीलिए तो उसका कमरा भी अलग कर दिया। उसके खाने पीने कपड़े लत्ते का खास ख्याल रखती हूँ मैं, आखिर को तुम्हारी बेटी जो हुई, एक हमारे बच्चे जैसे कैसे रुल खुल के पली जाते हैं। अच्छा खर्चा तो देता है ना? हाँ देता तो है, लेकिन बच्ची की जरूरियात के हिसाब से ना बहुत ही कम है, क्योंकि तुम्हारी बेटी के मिजाज भी ना तुम्हारी तरह बहुत ही ऊंचे हैं और उसकी वजह से ना हमारा हाथ बहुत तंग हो जाता है। तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें अलग से पैसे दूंगी, बस रजब को उसका पता ना चले। तुम उसका ख्याल रखना है, उसे बताती रहना कि मैं उसकी माँ। अरे हाँ हाँ ये भी कोई कहने की बात है, बेशक मैं उसे पाल पोस रही हूँ, लेकिन आखिर को तो सगी माँ तुम ही हो ना उसकी। चलो आप फूफो के पास चलते हैं। आज अभी दो रोज पहले तो आए हो, अब फिर जा रहे हो? यार कारोबार भी तो जमाना है ना, और ये सब इतना आसान नहीं है। ठीक है कारोबार सेट होते ही ना सबसे पहले बड़ा घर लेना है, कि घर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ये कारोबार जमाने के लिए ना आपको भी कुछ करना पड़ेगा है? होता है जब भी मुझे अपना कारोबार एक्सपेंड करना होता है ना, मैं इजाफा करना चाहता था उसमें, तो आरफा मुसल्ले पर बैठ जाती थी, नफिल पे नफिल, दुआओं पे दुआएं, बरकत पड़ जाती थी मेरे कारोबार में उसकी दुआओं से। तुम भी क्या हुआ रोशना, क्या बात हो गई? तुम अभी तक माजी में गुम हो, भूले नहीं उस फीकी सी बदसूरत औरत को? अगर इतनी ही नेक थी तो छोड़ा क्यों उसे, पांव धो धो के पीते ना उसके। अरे नहीं यार मैं तो ये कह रहा था कि वो इबादत बहुत करती थी, उसकी दुआओं से मेरा कारोबार चलता नहीं था, दौड़ता था। तुम भी दुआ करो ना मेरा कारोबार चले। हाँ अच्छा तो उसका हवाला दे के मुझे दुआ करने के लिए कहना जरूरी था? इतनी नेक होती ना तो आज यूं घर से बेघर ना होती, ना ही उसका शौहर उसे तलाक देता। कुछ तो ऐसा किया है ना जिसकी सजा भुगत रही है, बरकत वाली तो मैं हूं जो अपने शौहर के दिल पे राज करती हूँ राज। हाँ मेरी बरकत वाली की तो एक एक बात ठीक है। चलो फिर नाश्ता करते हैं चल के। नहीं तुम जाओ मुझे सोना है। ओहो ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। देख रहा है कैसे झट से हथेली पे पैसे रख के चला गया वो है? ये है भी तो पैसे वाला ना। अम्मा हाँ ये बच्ची यहाँ से नहीं जानी चाहिए, बड़े नसीब वाली है, तुम ठीक कहती हो। अरे मुझे क्या कह रहा है, अपनी बीवी से कहो, ऐश भी वो कर रही है और उस बच्ची से नाला भी बोई है। हाय हाय अगर इस घर से वो बच्ची गई ना तो उसकी जिम्मेदारी यही होगी। लो आ गई, कर लो बात। ये लीजिए। ये पैसे कहाँ से आए? बस अम्मा ने कहा था कि रुशना से इमन के नाम पर निकलवाओ पैसे और मैंने निकलवा लिए। ये रोशना ने पैसे दिए? हाँ तो जाहिर है भाई, एमन उसकी बच्ची है, उसके लिए तो वो लाखों रुपए लुटा दे। हाँ उसे तो लगता है कि पैसे देकर वो अपनी सारी जिम्मेदारी पूरी कर रही। मर सोते रहे औलाद को कहाँ बर्दाश्त करता है, मजबूरी है उस बेचारे की और उसका फायदा तो हम लोग उठा रहे हैं। अरे वो बेचारी तो अपनी बच्ची की दूरी का गम सह रही है। तो किसने कहा था एमन के बाप से तलाक लेकर दूसरी शादी करे? वैसे सच बताओ अम्मा मुझे तो ना नफरत सी हो गई है उससे। तेरी नफरत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती और ना तेरी मोहब्बत उसके कोई काम आ सकती है। जैसा शौकत कह रहा है ना उसकी बात सुन ले। अच्छा जो भी बोलना है ना जल्दी बोले, मुझे अभी कासिम को भी पढ़ाना है। देख नजमा मेरी बात ध्यान से सुन। देख मेरी भी ख्वाहिश है मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छा खाए, अच्छा पहने, उसकी जिंदगी में कोई कमी ना हो। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। नजमा तू तो जानती है कि मेरी तनख्वाह बहुत कम है, इस तनख्वाह में तो हमारी
ख्वाहिशें सिर्फ हसरत ही बन सकती हैं। देखो अगर तुम मेरा साथ दो ना तो हमारे सारे ख्वाब पूरे हो सकते हैं। बहुत अच्छी तरह समझ रही हूँ। आप एमन की बात करना चाह रहे हो ना? देखा अम्मा, मैंने नहीं कहा था, मैंने कहा था ना तुम्हारी बहू बहुत समझदार है, आप खामखा इससे परेशान रहती हैं। हाँ, समझदारी दिखलाए तो मानू ना। एमन पर तवज्जो दो, ये समझ ले नजमा के तुम्हारी ड्यूटी है। अब देखना रजब से तो हम पैसे लेते ही हैं, चोरी छुपे रोशना से भी पैसे निकलवाते रहेंगे, और रोशना अभी शहर में आ गई है, किसी वक्त भी अपनी बेटी से मिलने के लिए आ सकती है। बस इतना रखना है कि उसको साफ सुथरा रख और उसके खाने पीने का ख्याल रख लेना। पहले जिम्मेदारियां कम है मुझ पर जो ये मुसीबत भी लाके मेरे सर पे खड़ी कर दी। ऐ सब करें और उसकी आया बनकर उसके पीछे पीछे मैं फिरती रहूं। है उठ गई कमबख्त और उठते ही रोना शुरू कर दिया। ऐसे ना बोल, मासूम बच्ची है, जा भूखी है बेचारी, जाकर उसको फीडर बना के दे। अच्छा तो आप खुद बनाकर दे देना, इतना सा काम भी नहीं कर सकती आप। देख रहा है ना, ये है तेरी बीवी, जा जाके उसको फीडर बना दे। संभाल इसको अच्छी तरह, बड़ी नकचड़ी। बेगम साहिबा, क्या है, तुम्हें इतनी तमीज नहीं है कि अंदर आते हुए दरवाजा लॉक करते? माफी चाहती हूँ बेगम साहिबा, वो साहब आ गए, आपको बुला रहे। साहब बुला रहे? काम पे नहीं गए वो? जी वो गए थे, वापस आ गए। बेगम साहिबा, साहब आपको बुला रहे, बहुत सारा सामान लेके आए, मुझे बिरयानी और कौरमा बनाने का कहा है, लगता है कोई मेहमान आ रहे हैं। मेहमान? क्या मुसीबत है। ठीक है जाओ तुम। नींद पूरी हुई, जाके मेरी स्लीपिंग ब्यूटी। क्या शोर मचा रखा, पर तुम काम से वापस क्यों आ गए? मैं गया था यार ऑफिस, वो आधे घंटे बाद फोन आ गया आपा का, वो आ रही है। आपा? हम, मेरी बड़ी बहन है, मैं बहुत इज्जत करता हूँ उनकी, आरफा भी बहुत एहतराम करती थी, तो तुम भी ना जरा अदब से बात करना, मिजाज की जरा तेज है, अपनी मर्जी के खिलाफ बात बर्दाश्त नहीं करती। अच्छा तो ये बात, मना कर देते उसे, तुम जानते हो मैं उल्टी सीधी बातें बर्दाश्त नहीं कर सकती। कहा ना मेरी बड़ी बहन है, इज्जत करता हूँ बहुत उनकी। तुम्हारी आपा तो आते ही आरफा के बारे में पूछेगी और मुझे बुरा भला कहेगी, और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, मना कर दो। अब निको भाई सब तैयारी कर लो खाने की। अच्छा मैं कह रहा था कि चेंज कर लो और आपा का सब ख्याल रखना है थोड़ा ध्यान से। जी भली गुजर रही थी, ये आपा मुतरमा पता नहीं कहां से टपक पड़े। रजब तुमने बड़ी गलती कर दी। अरे तुम्हारे सीने में दिल है या पत्थर? अल्लाह ने तुम्हें इतने प्यारे प्यारे बेटे दिए और तुमने उनकी भी कदर नहीं की। आपा रुष्णा बहुत अच्छी है, बड़ी खिदमत करती है मेरी। आरफा जैसा ख्याल कोई नहीं कर सकता, और जितना ये ख्याल करती होगी ना वो सब नजर आ रहा है मुझे। और वैसे भी मैं तो तुमसे बहुत ही नाराज थी, आरफा को तलाक दे दी, दूसरी शादी भी कर ली और मुझे बताया तक नहीं। अभी भी अगर तुम मुझसे माफी ना मांगते तो मैं तुम्हारे इस घर पर कभी कदम भी ना रखती, लेकिन यहां आकर अंदाजा हो रहा है कि तुम भी ये गलती करके खुश नहीं हो। नहीं नहीं अपा ऐसी कोई बात नहीं है, वो जरा बिजनेस की टेंशन है तो इसलिए उलझन में हूं। हाँ तो जाहिर है हर औरत भगवान थोड़ी होती है आरफा की तरह से। राजा मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। अरे बीबी कहाँ जा रही हो? अरे घर में मेहमान आए हैं और तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं कि उनके पास बैठो। मुसलसल यहाँ बैठकर अपनी बुराई सुनना भी आसान नहीं है। हाँ तो जो तुमने काम किया है बीबी उस पर तुम्हें मैं फूलों के हार नहीं चढ़ाऊंगी। अरे हंसता बसता घर उजाड़ दिया तुमने, बेटों से जुदा कर दिया उसके बाप को। अच्छा ये बताओ शादी को कितना अरसा हो गया? 8 माह हो गए। आप कोई खुशखबरी?
रजब तूने बड़ी नाशुक्री कर दी अल्लाह की। अब अगर अल्लाह ने तुझे औलाद दी ना तो ये बहुत बड़ा मौजज़ा होगा। आप हमें बददुआ दे रही हैं। बददुआ नहीं दे रही हूँ, खुदा लगती कह रही हूँ। और दूसरों के घर बर्बाद करने वाले खुद भी कभी आबाद नहीं रहते। ये मेरा घर है और मैं एक बात भी नहीं सुनूंगी अब। रजब तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी जिंदगी में और इस घर में मेरा क्या मुकाम है? नहीं नहीं आपा, मैं समझाता हूँ, आप गुस्सा ना करें। मैं समझाता हूँ, आप जाने, आप भी चुप कर जाओ, आप गुस्सा ना करें प्लीज आपा। रुशना मैं कहाँ किस्मत फोड़ ली जाके तूने, सोना छोड़ के मट्टी उठा लाया। देख कैसे नाक चने चपाएगी तुझे, नखरे तो देखो बखत के। मेरी और रजब की औलाद ये बहुत जरूरी है, वरना रजब और उसके खानदान वाले आरफा और उसके बच्चों की याद में गुम रहेंगे, या फिर रजब दोबारा अपने बेटों की तरफ रागिब हो जाएगा। औलाद बहुत जरूरी है। तुम सोई नहीं अभी तक? देखो क्या टाइम हो रहा है। सो जाओगी तुम? बैठी क्यों? कहा ना सो जाओगी तुम, मेरी फिक्र ना करो, सो जाओ। नहीं लगता तुम्हें आपा की बातें बुरी लगी है ना? देखो जुबान की कड़वी है लेकिन दिल की नरम है। जुबान पर कड़वाहट दिल में छुपी कड़वाहट की वजह से होती है। वही लोग कड़वा बोलते हैं जिनके दिल में नफरत की आग होती है। और दोबारा अपनी आपा की तरफदारी मत करना, क्योंकि अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। सो तो जाओ ना, देखो तुम जागती रहोगी तो मुझे नींद कैसे आएगी। हाँ हो जाओ। रुशना ये सब क्या कर रही हो तुम? तुम्हारी एक बेटी है, मेरे दो बेटे हैं, तुम बिला वजह परेशान हो रही हो तुम। मैं परेशान नहीं हो रही, तुम्हारे घर वाले को रवैये मुझे परेशान करते। तुम्हारी आपा तो मुझे तुम्हारी बीवी नहीं रखेल समझती है। ऐसे में मैं ये सब ना करूं तो और क्या करूं? कैसी बातें कर रही हो? खुदा से अच्छी की उम्मीद रखो, अल्लाह हमें जरूर औलाद की नेमत से नवाजेगा। इस कंधे से घर में सारा दिन अकेली परेशान बैठी रहती हूँ, सोचे है कि पीछा ही नहीं छोड़ती। कब तरक्की होगी, कब तुम्हारा कारोबार होगा, कब हम अच्छे से घर में जाएंगे? हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, बस तुम दुआ करो। हाँ हाँ, मुझे तो बस दुआ के लिए बिठाया हुआ है तुम। अच्छा सुनो, घर में बैठे बैठे मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं चाह रही हूँ फूफो की तरफ चले। वाह, सर दर्द का अच्छा इलाज निकाला तुम। अरे भाई वहां जाके क्या करेंगे, उनका घर तो हमारे घर से भी कहीं गया गुजरा है। मैं घर देखने नहीं, फूफो से मिलने जा रही। हाँ तो यूं कहो ना कि बेटी की याद सता रही है तुम्हें। करूं जमीला, इतनी मेहनत करने के बाद भी मैं अपने बच्चों की जरूरतें नहीं पूरी कर पा रही। एक हल है। मुझे वो ये कि तुम और तुम्हारे बच्चे एक कमरे में आराम से रह सकते हैं, क्यों ना तुम बाकी मकान किराए पर दे दो। मैं समझ सकती हूँ एमन को भाभी के घर छोड़ना तुम्हारी मजबूरी है, लेकिन देखो कहीं इस मजबूरी में तुम अपनी औलाद को न खो देना।
मैं अमन का पूरा खर्चा देती हूँ और नजमा भाभी भी बहुत ख्याल रखती है अमन का।